और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। याद है आपको मैंने कुछ बताया था, न्यू कोलैबोरेशन एशियन क्रिप्ट? नहीं। तो इस कोलैबोरेशन का ना पूरा रिवॉर्ड कंफर्म हो चुका है यार। ओह माय गॉड, एक बार देखो तो सही, क्या ही तो तगड़े इमोट्स प्लस एक ग्रीन कलर का फिस्ट का स्किन भी है। क्या बात है सर। बट यार मैंने सीरियसली बता रहा, इसका जो मेल वाला बंडल है ना, क्या ही तो तबाही लग रहा है। एंड ये भी सुनने में आ रहा है कि ये रिडीम कोड के थ्रू मिलेगा। मस्त जोक मारा। वैसे गाइस एक सैड न्यूज भी है, अपने गेम के अंदर ना एज रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है। अब ये तो आपको पता ही है, बट सीन क्या है ना कि ये कल से ही लगने वाला है, तो ना अभी क्या ही कर सकते हैं यार। सैड लाइफ, मतलब एक बार सोच के तो देखो यार, आज मतलब जितनी मर्जी उतनी खेल सकते हैं, बट कल से लिमिट लग जाएगा हमारे ऊपर। मतलब सोच के देखो यार, कितना अजीब लग रहा है ना। एंड वैसे हाँ, कल ही अपना वो मेंटेनेंस ब्रेक है, तो कल आप 9:30 से, ठीक है, 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक गेम नहीं खेल सकते। एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि पिछले 2 महीने में फ्री फायर को डाउनलोड किए होंगे, तो कोई ना आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। एंड पिछले 2 महीने वाली नहीं, जो भी देख रहे हो ना, सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि ना मैं कल वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या अपडेट के अंदर होगा एंड कब तक मेंटेनेंस चलने वाला है। सब क्लियर है भाई, अपन बैठे हैं इधर, ठीक है, इसलिए डोंट वरी। एंड वही हम लोग बात कर रहे थे एज लिमिट को लेके, तो देखो अगर आप 18+ हो फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे आप अभी खेल रहे हो वैसे आप नॉर्मल भी खेल सकते हो। एंड अगर आप 18 लाइक 13 साल से लेकर 17 साल तक के हो तो भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आप खेल सकते हो। बट अगर आप 13 साल से कम उम्र के हो, ठीक है, फिर तो यार मतलब आपके ऊपर लिमिट लग जाएगी, लाइक आप शायद से हार्डली 6 घंटे तक खेल सकते हो, ठीक है। एंड मुझे पता है कि आप लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि भाई अगर एक आईडी से 6 घंटा खेल लिए कोई बात नहीं, एक और सेकंड आईडी बना लेंगे, इसमें अगर 6 घंटा का लिमिट हो भी गया तो दूसरी आईडी से खेल लेंगे। तो ना ऐसा भी नहीं होने वाला ब्रो, क्योंकि वो ना आपका डिवाइस का लिमिट होगा, ठीक है, ना कि आपका वो पर्टिकुलर जो आईडी पे खेल रहे हो, बस वो आईडी का लिमिट नहीं होगा, आपके अकाउंट मतलब आपके डिवाइस में जो अकाउंट लॉगिन होगा ना, सबका वो लिमिट रहेगा, समझ रहे हो। एंड यहाँ पे तो ये भी सीन निकल के आता है कि चलो कोई बात नहीं, हम 13 से अगर कम साल के, बट अगर 18+ कर देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइक बोल रहे हैं कि अगर आप 13 से कम उम्र के हो, अगर आप बोल दोगे कि हम 18+ हैं तो फिर आपका अकाउंट ये हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ये वो। तो यार देखो, हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए या फिर बोलना तो नहीं चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूं, बट ये सेम अपडेट ना पबजी के अंदर भी है, ठीक है। अगर आप पबजी से 18 साल के कम उम्र के हो ना, तो वहां पे भी ये एज लिमिट लगा हुआ है, पता है, क्योंकि आपको भी पता है पबजी बैन भी हो गया था, क्या कुछ नहीं हो रखा है भाई पबजी के साथ। तो उनका क्या सीन है ना कि उनके अंदर भी हर 2 घंटे पे लिमिट आता है, सब कुछ आता है। अगर आप 18 से ज्यादा के हो ना, फिर भी आपको ये आ जाएगा, लाइक पॉपअप आ जाएगा कि आप 2 घंटे से ज्यादा खेलिए। उनका ये नहीं कि 6 घंटे बाद गेम बंद हो जाएगा, बट हर 2 घंटे पे ना उनको एक पॉपअप आ जाता है कि अभी आप 5 मिनट तक गेम नहीं खोल सकते, ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने उन लोगों से बात की जो मेरे फ्रेंड्स पबजी खेलते, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैंने डाउनलोड किया था, बट आज तक कभी मैंने उतना खेला नहीं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूं। तो उन्होंने बोला था कि भाई मतलब मेरा तो 16 साल का हूं मैं, बट मैंने 18+ दे दिया, मेरे को तो उतना कुछ मतलब फेस करने को नहीं मिला। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि फ्री फायर में भी नहीं होगा, बट ये भी है ना कि अगर आपका अकाउंट फेसबुक से बाइंड है फिर तो आपका एज वो ऑटोमेटिक पता कर लेगा। तो मेरी मानो तो सही ही भरना है, ठीक है, अगर आप 18+ हो तभी 18+ देना, 13 से 17 के बीच में वो देना, 13- हो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी पूरा दिन गेम तो खेलने मिलेगा ही नहीं अगर आप 13 से नीचे गए हो तो। आपकी मम्मी पापा जिनके भी फ़ोन में आप खेलते हो तो वो तो खेलने ही नहीं देंगे ना, तो रियल एज ही भर देना, ठीक है। बाकी अगर आप 13 से लेकर 17 वो सब छोड़ो, पहले ना आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपकी अभी एज कितनी है, ठीक है, बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी ना लीक कर रहा हूँ, कमेंट में बता दो। तो देखो सीन क्या है ना कि अगर आप 13 से लेकर 17 के बीच में हो, आई थिंक मैंने बता दिया ना इसका क्या सीन है शायद से, अरे छोड़ो यार फिर से बता देता हूँ। तो अगर आप 13 से लेकर 17 के बीच में ना, तो आपको शायद से 8 घंटे का लिमिट होगा। देखो अभी तक इसका कन्फर्मेशन तो नहीं है, बट ये कन्फर्म है कि आपको हर घंटे एक पॉपअप से होगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। जैसे ही आप 1 घंटा कंप्लीट करोगे ना, आपको 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ऐसे ब्रेक दिया जाएगा, आप उस बीच में गेम नहीं ऑन कर सके, ठीक है, गेम ही ऑन नहीं कर सकते, ये नहीं कि दूसरा आईडी लॉगिन कर लेंगे, आपका गेम ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। एंड वहीं अगर हम लोग बात करें लास्ट 18+ की, 18+ वाले का तो सही है यार, पूरा दिन गेम खेल सकते वो लोग, तो ऐसा भी नहीं है सर, क्योंकि 18+ जहां तक मैंने नोटिस किया कि भले वो पूरा दिन गेम खेल सकते हैं, बट जहां तक मैंने नोटिस किया ना कि जो 18+ वाले होते हैं ना, रियल में 18+, मैं बहुत ऐसे भी लोगों को मैं बता रहा, मैं खुद से ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो इसका भले उम्र 20-22 साल का हो बट दिमाग से बच्चे ही रहते, तो उनको तो भाई अलग ही सीन है, उनको तो साइड ही कर दो। बट अगर हम लोग नॉर्मली देखें ना, तो अगर आप 18+ होते हो ना, तो आपको इतना तो दिमाग हो जाता है कि आप फ्री टाइम में फ्री फायर खेलोगे, फ्री फायर नहीं, कोई
भी गेम, लाइक आपके पास जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, आपके पास एक दो घंटा फालतू का टाइम है तभी आप फ्री फायर खेलोगे, तो ये मतलब एक मैच्योरिटी आ जाती है, समझ रहे हो आप लोग। एंड पहले जब मैंने देखा ना कि एज लिमिट ये सब लग रहा है, पहले तो मेरे को बेकार लगा, भाई क्या ये सब ऐसे ही दे रहे हो फालतू का चीज, लॉकडाउन में फ्री फायर ही तो सहारा है। फिर भाई ये देखो इधर कोई किसी का डेथ हो जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई ये कर ले रहा है टॉपअप के कारण, तब जाके पता मैं क्या सोच रहा था, लाइक मैं पता रात में क्या सोच रहा था कि फ्री फायर ये डायमंड वाला सिस्टम ही हटा दे, बट अभी क्या ही कर सकते यार, ये पॉसिबल भी नहीं है, बट चलो कोई ना, देखते हैं क्या सीन है, जब तक चलता है सह लेंगे थोड़ा सा। और क्या है, हाँ हाँ वेट वेट वेट, जहाँ तक बात आ रही थी कि कल अपना सर्वर मेंटेनेंस है, ठीक है, यानी कि कल आप पूरा दिन गेम नहीं खेल सकते, तो क्या बोलते हो लाइक कल लाइव स्ट्रीम किया जाए GTA 5 ये सबका। और हाँ मैंने ये भी देखा कि लाइक आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हो कि शुभ भाई आप हमेशा बॉट क्यों मारा करते हो, मतलब फुल मैप का जो गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो, तो ना अभी क्या कर सकते यार, बंदे तो मरते ही नहीं है तो बॉट ही मारना पड़ेगा ना। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली में वो क्या है ना कि मैं लाइक रात में 11:30 को जाके गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, तो इसलिए उस टाइम बॉट ही आते हैं, आपको पता है, बरमूडा रिमास्टर्ड खेलो तो ऐसे भी बॉट ही आते हैं, समझ रहे हो, तो जस्ट वो सीन है। तो एंड आई एक और चीज बताना था कि एक गिव अवे चल रहा है, ठीक है, मुझे पता होगा कि आपका रिएक्शन यही होगा, अरे यार, बट देखो ऐसा सीन नहीं है, मान लो कहीं आप जीत ही जाओ, ऐसे लक का कुछ नहीं कह सकते भाई, तो गिव अवे चल ही रहा है तो पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, जस्ट क्रोम पे जाना एंड ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना ये सर्च करना है, ठीक है, वहां पे गोल्डन सेट बंडल 1000 डायमंड ये सब का गिव अवे चल रहा है, मैंने नोटिस किया था, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, मान लो कहीं जीत ही जाओ, ऐसे लक का कुछ नहीं कह सकते भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे यार ये वाला फीमेल का बंडल ना हम लोग को फ्री में मिलने वाला है, मस्त लग रहा है ना देखने में, फुल भाई वॉरियर वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल, मतलब सही है। अगर वही बात करें कि ये बंडल का मेल वाला, तो यार गैरी ना है, ये मेल वाला बंडल थोड़ी ना फ्री में दे देगा, पता नहीं इनको फीमेल वाला बंडल ही क्यों फ्री में देना, फीमेल के लिए अलग सा इवेंट आ रहा है, सी प्लेज फ्री फायर सी प्लेज ये करके, एंड मेल का आज तक कभी भी ये तगड़ा मेल का बंडल आज तक ये लोग फ्री में नहीं दिया ना, नोटिस किए ये चीज़ आप लोग की नहीं, मैंने हमेशा नोटिस किया यार, कोई भी इवेंट जैसे कोरोना आया था तो कोरोना का बंडल मिला था 500 डायमंड के टॉपअप में, एंड फीमेल का बंडल फ्री में मिला था, एंड मतलब देखो तो आप लोग यार जितना भी इवेंट आया ना, जितना भी इवेंट सब में फीमेल का बंडल ये लोग फ्री दिया, बट आज तक मेल का बंडल जो मतलब ऐसा नहीं कि मेल का बंडल फ्री नहीं देते, लाइक जो होता है ना एक तगड़ा सा मस्त सा जो देखने में मज़ा आ जाए वो वाला बंडल आज तक कभी ये लोग फ्री में नहीं दिए। कल दिखाए थे ना वो ब्राजील सर्वर में कैसे 1000 डायमंड फ्री में दे रहे थे, 1000 नहीं भाई 10,000 डायमंड फ्री में दे रहे थे, हमारे सर्वर में कभी पॉसिबल है क्या ये सब भाई, मतलब सही में यार क्या क्या करता है गैरीना। वैसे एक फनी बात पता है क्या, वो जो लाइक बोले थे ना कि पबजी ने फ्री फायर के ऊपर केस कर दिया, पता है फ्री फायर ने क्या रिप्लाई दिया, हमने कुछ कॉपी नहीं किया जो करना कर लो भाई, फुल सेवेज रिप्लाई भाई, मजा आ गया देख के, मतलब गैरीना का अलग ही स्वैग है भाई, इनका अलग ही चलता है, बाकी कोई ना, बस आज के स्टूडियो में इतना ही, एंड हाँ गाइस अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो देखो सब्सक्राइब तो याद से कर लेना, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से रेड वाला बटन है ना उसको एकदम प्यार से दबा दो, एंड बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, कल मेंटेनेंस ब्रेक भी है तो कल सुबह ही आ जाएंगे हम लोग, लाइक 9 बजे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, तो चलो यार बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सेफ रहना, तो चलो टाटा बाय बाय।